समग्र शिक्षा सिरमौर के तहत जिला मुख्यालय नाहन स्थित डाइट संस्थान में शुक्रवार को जिला स्तरीय कला उत्सव 2021 का आयोजन किया गया। इस कला उत्सव में जिला भर से आए स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जिला के 14 शिक्षा खंडों से आए बच्चों ने 9 विधाओं में हिस्सा लेकर जहाँ कमाल की प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया, तो वहीं बच्चों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। कला उत्सव में 85 स्कूली बच्चों ने एकल, शास्त्रीय, फोक डांस, चित्रकला आदि 9 विधाओं में हिस्सा लिया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता छात्र राज्य स्तरीय कला उत्सव में भाग लेंगे। डाइट नाहन के प्रिंसिपल ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि ब्लॉक स्तर के बाद जिला स्तर पर ये कला उत्सव आयोजित किया गया है। यहाँ से चयनित 9 विधाओं के विजेता छात्र छात्राएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। राज्य स्तर के विजेता राष्ट्रीय कला उत्सव के लिए चयनित किए जाएंगे। समग्र शिक्षा की तरफ से एक कला उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कि विद्यार्थियों को विभिन्न विधाओं में कंपटीशन कराए जाते हैं। ये कंपटीशन पहले विद्यालय स्तर पर, विद्यालय के बाद फिर खंड स्तर पर, और फिर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। फिर कुछ विद्यार्थी इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भाग लेते हैं। हमारे जिला सिरमौर में सभी 14 शिक्षा खंडों में ब्लॉक स्तर पर और विद्यालय स्तर पर ये प्रतियोगिताएं हो गई हैं, और आज जिला स्तर पर लगभग 85 विद्यार्थी इन 9 विधाओं में भाग लेने आए हैं, जिनमें से एकल गायन है, शास्त्रीय गायन है, कुछ फोक डांस है, पेंटिंग है, टॉय मेकिंग है। इनमें से जो उत्कृष्ट विद्यार्थी होंगे उनको राज्य सरकार के लिए भेजा जाएगा प्रतियोगिता के लिए, और फिर ये राष्ट्रीय स्तर के लिए भी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। गत वर्ष भी हमारे 2-3 विद्यार्थियों ने जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभागिता की थी। हर जिला भर से अलग अलग विधाओं के लिए हमने निर्णायक मंडल की भूमिका के लिए अलग अलग विधाओं के लोग बुलाए हैं, जिसमें जिला भाषा अधिकारी और साथ ही साथ कुछ विद्यालयों से जो है हमारे संगीत के अध्यापक हैं और हमारे अपने स्टाफ के भी कुछ लोग हैं। तो पूरे जिला का इसमें जो है आज एक प्रतिभागिता है। यहाँ हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से शैलेश सैनी।